पंजाब के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में उठापटक तेज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने नाना पटोले द्वारा की गई नई नियुक्तियों के विरोध में महाराष्ट्र में पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पटोले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। खबरों के मुताबिक सावंत राकांपा के पूर्व नेता अतुल लोंधे को महाराष्ट्र कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त करने के पटोले के फैसले से नाराज थे। लोंधे 2016 में पार्टी में शामिल हुए थे। सावंत ने अपने ट्विटर बायो से अपना पदनाम भी हटा दिया है। सावंत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में नई भूमिका का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सावंत 10 साल से पार्टी में महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। पटोले ने उन्हें सहायक प्रवक्ता के पद पर पदावंत कर दिया था। सावंत को राज्य में भाजपा और तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाली सबसे मजबूत आवाजों में से एक माना जाता है। नाना पटोले ने इस साल फरवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उन्होंने बालासाहेब थोराट का स्थान लिया। पटोले ने तब से कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे दिग्गजों में नाराजगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद से 56 वर्षीय नाना पटोले ने पार्टी के लिए हलचल मचा दी है। माना जाता है कि कई दिग्गज उनके फैसलों से नाराज हैं। भाजपा के पूर्व सांसद पटोले 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले बीजेपी नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के शीर्ष पद पर पदोन्नत होने के बाद से पटोले ने कई विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, जिससे न केवल उनकी अपनी पार्टी के लोग बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी शिवसेना और राकांपा के भी लोग नाराज हुए हैं। जुलाई में उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उनकी निगरानी करवा रही है। उन्होंने बार बार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात भी की है, जिस पर सहयोगी एनसीपी और शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।